चलिए बेटा, आज हम कक्षा 11 की यूनिट 5 यानी घूर्णी गति यानी दृढ़ पिंड की घूर्णी गति या रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा आपका घूर्णन त्रिज्या, इसके बारे में आपको जानना है और इसका डेरिवेशन करना है। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि घूर्णन त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। घूर्णन त्रिज्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कि रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और इसका पूरा डेरिवेशन करना है। ठीक है, चलिए पहले घूर्णन त्रिज्या को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक पिंड लेना है। ये अपन कोई पिंड ले लिए, पिंड यानी कोई कोई वस्तु। ठीक है, इस वस्तु को किसी अक्ष के परितः क्या कराना है, घूर्णी गति कराना है। तो मान लीजिए बेटा इसका अक्ष हो गया एक्स वाई। घूर्णी गति को समझिएगा, घूर्णी गति का मीन्स है जब कोई भी वस्तु यानी कोई भी पिंड अपने में से गुजरने वाले, इसके अंदर से जा रहा है, अपने में से गुजरने वाले अक्ष के परितः घूमता है या प्रति गति करता है, तब वस्तु की इस गति को घूर्णी गति कहते हैं। ठीक है, तो घूर्णन त्रिज्या के लिए आपको पिंड लेना है। इस पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं बेटा अपन m, और इससे गुजरने वाला अक्ष कितना हो गया एक्स वाई। अब इस पिंड पर एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इस पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास। तो मान लीजिए इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र यहां पर है। ठीक है, ये जो द्रव्यमान है ये सारा इस पॉइंट पे केंद्रित है, तो द्रव्यमान केंद्र की अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, घूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं बेटा अपन के से। ठीक, परिभाषा क्लियर हुई। अब इसकी पूरी परिभाषा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोलेंगे, जब कोई पिंड, परिभाषा बनाइए ध्यान दीजिएगा, जब कोई पिंड अपने में से गुजरने वाले अक्ष के परितः घूर्णी गति करता है तो पिंड के द्रव्यमान केंद्र, नाम समझिएगा, पिंड के द्रव्यमान केंद्र और अक्ष के बीच की लंबवत दूरी को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्लियर, चलिए अब इसका करते हैं व्यंजक। चलिए डेरिवेशन करते हैं बेटा। इस पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना मान लेना है आपको, कैपिटल एम, जो कि आपका यहाँ पे केंद्र थे, ये आपका द्रव्यमान केंद्र हो गया। ठीक है, पिंड से गुजरने वाला अक्ष क्या हो गया एक्स वाई। सबको पता है कि पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बनता है, तो पिंड के अंदर कई कण मान लो बेटा, पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण। इस कण का नाम क्या रख देते हैं अपन P1, इसका नाम P2, इसका नाम P3। ठीक है, पहले कण की अक्ष से दूरी कितनी ले लेते हैं अपन R1, दूसरे कण की अक्ष से दूरी कितनी मान लो R2, और तीसरे कण की अक्ष से दूरी कितनी मान लें R3। बहुत सारे कण है, केवल तीन इंडिकेट किए हैं। पहले कण का द्रव्यमान कितना मान लें M1, दूसरे का M2 और तीसरे का M3, ये तीन कण हो गए। ठीक है, चलिए चित्र की थ्योरी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोलेंगे इसमें, चित्र में है, इसमें कैपिटल M द्रव्यमान का एक पिंड अक्ष एक्स वाई के परितः घूर्णी गति कर रहा है। एक लाइन क्लियर, दूसरी लाइन में ध्यान दीजिएगा, पिंड के अंदर, कहां पर बेटा, देखिए यहां पे पिंड के अंदर उपस्थित कण कौन कौन से हैं, P1, P2, P3 एंड सो ऑन, मतलब डैश डैश डैश, इसका मीन्स है बहुत सारे कण है। ठीक है, पिंड के अंदर कौन कौन से कण है, फिर से देखिए, पिंड के अंदर उपस्थित कण P1, P2, P3 एंड सो ऑन है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3 एंड सो ऑन है, तथा अक्ष से दूरियां नाप लीजिए, ध्यान दीजिए यहां पे, तथा अक्ष से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 एंड सो ऑन है। ये हो गया आपका चित्र का थ्योरी, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो पूरा पिंड है ये किससे मिलके बना है, कणों से मिलके बना है, तो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण बराबर कणों के जड़त्व आघूर्णों का योग। क्या लिखेंगे, क्योंकि पूरे पिंड के जड़त्व आघूर्ण को कैसे निकल करेंगे बेटा अपन आई से, आई बराबर पहले कण का जड़त्व आघूर्ण I1 धन दूसरे कण का I2 धन तीसरे कण का I3 धन एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मीन्स क्या होगा, पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण बराबर सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों का योग। ठीक, अब इनके मान भरना है,
पूरे पिंड का जड़ता कोण, ध्यान दीजिएगा पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम, जो कहां केंद्रित है, सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास की अक्ष से दूरी कितनी है के, और जड़त्व कोण का सूत्र आप लोगों ने पढ़ चुका है आई बराबर क्या होता है एम आर स्क्वायर, यानी द्रव्यमान गुणे अक्ष से दूरी का वर्ग। तो पूरे पिंड का निकालना, तो पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना है आपका कैपिटल एम, और द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास पे केंद्रित है, और यहां की अक्ष से दूरी कितनी है के, कितना आ जाएगा बेटा एम के स्क्वायर बराबर आई वन पहले कण का है, तो पहले कण का द्रव्यमान कितना है एम वन, और दूरी कितनी है आर वन, तो आई वन की जगह कितना आएगा बेटा एम वन आर वन स्क्वायर, धन आई टू की जगह आई टू दूसरे कण का है तो कितना आ जाएगा आपका एम टू आर टू स्क्वायर, धन तीसरे कण का एम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और बहुत सारे कणों का। ठीक है चलिए अब यहाँ पे एक शर्त लगाना है आपको, शर्त क्या लगाना है पिंड के अंदर जितने भी कण हैं इन सभी कणों का द्रव्यमान क्या मान लेना है एक समान, लिखेंगे यदि, कंडीशन क्या बेटा यदि सभी कणों का द्रव्यमान एक समान हो। ठीक बेटा कंडीशन चलिए हम अपन लगाते हैं, यदि सभी कणों का द्रव्यमान क्या हो एक समान हो, यानी बराबर हो, एक समान हो। अभी देखिए अभी हमने जो माना था कणों का अलग अलग द्रव्यमान माना था, पहले कण का यम वन, दूसरे का यम टू, तीसरे का यम थ्री, अब कंडीशन क्या है सभी कणों का द्रव्यमान एक समान, यानी यम वन बराबर यम टू बराबर यम थ्री बराबर एंड सो ऑल बराबर, सबको किसके मान लेना है यम के। ठीक है यानी यम वन का मान भी यम, एम टू का मान भी यम, यम थ्री का मान भी यम, इन तीनों की जगह जब हम एम प्लेस करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैपिटल एम के स्क्वायर, कैपिटल एम पूरे पिंड का द्रव्यमान है, यम वन की जगह भी यम रख देना है, यम टू की जगह भी यम रख देना है, और यम थ्री की जगह भी एम, अब प्लस एंड सो ऑल। ठीक है सबसे कॉमन कितना दिख रहा है बेटा, देखिए बोला सबसे कॉमन आपका स्मॉल एम दिख रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल एम के स्क्वायर बराबर स्मॉल एम कॉमन निकाल लें, कितना बचेगा आपका आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑल, आर थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑल। ठीक है चलिए दूसरी शर्त लगाते हैं, दूसरी शर्त क्या है यदि, क्या लिखेंगे यदि पिंड के अंदर, ये जो पूरा पिंड है ध्यान दीजिएगा, यदि पिंड के अंदर उपस्थित कण कितने हो एन हो, इनके नंबर्स गिन लेना है आपको। देखिए अभी हमने यहाँ पे दर्शाया तीन है, एन सो वाल का मिस बहुत सारे हैं, यदि जितने भी कण हैं सबका नंबर्स कितना हो बेटा स्मॉल एन, अब पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना है कैपिटल एम, और एक कण का द्रव्यमान कितना है स्मॉल एम, सभी कणों का द्रव्यमान एक समान है, एक कण का द्रव्यमान स्मॉल एम, पूरे पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम, और कणों की संख्या स्मॉल एम, तो कैपिटल एम किसके बराबर होगा बेटा स्मॉल एन इंटू स्मॉल एम के। ठीक है यानी एक कण का द्रव्यमान गुणे कणों की संख्या बराबर पिंड का द्रव्यमान, तो यहां पे कैपिटल एम की जगह हम कितना प्लेस कर सकते हैं एन एम, तो कैपिटल एम की जगह जैसे हम एन और एम प्लेस करेंगे तो यम से यम कैंसिल, एम को उधर भेज दीजिए पंचांतरण करिए, तो के स्क्वायर बराबर कितना आएगा बेटा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑल बटे एन। ठीक है अब जब दोनों पक्ष का वर्गमूल करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्ष का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्ष का वर्ग मूल करने पर, जब वर्गमूल करेंगे तो के स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका के, चलिए बेटा जब वर्गमूल करेंगे तो के स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ गया के बराबर, जब इस साइड का वर्गमूल करेंगे तो ये चूंकि प्लस में है इनको आर वन आर टू मत कर दीजिएगा, ये पूरा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा आपका, कितना जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑल बटे यंग, ये आ गया आपका रेडियस ऑफ जायरेक्शन यानी घूर्णन त्रिज्या। ठीक है थ्योरी में क्या लिखेंगे आता है स्पष्ट है, क्या लिखोगे बेटा आता स्पष्ट है किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उस पिंड पर उपस्थित कण, ये जो कण है
उस पिंड पर उपस्थित कणों की अक्ष से दूरियां, अक्ष R1 R2 R3 अक्ष से दूरियां है बेटा, अक्ष से दूरियों के वर्ग माध्य मूल के बराबर होती है। ठीक, ऐसे करना है आपको, घूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ जायरोस्कोप। चलिए कंप्लीट करिए।